हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद विद्या एंड मिकी में आपका फिर से तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। तो आज होली स्पेशल मैं गुजिया बनाने वाली हूँ। तो वो गुजिया कोई खास ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत करने वाली गुजिया है, ये बिना मेहनत के है और मिनटों में बनेगा और बिना गैस जलाए हुए ये गुजिया है। तो मैं आपको इसके अंदर की फिलिंग कट करके दिखाती हूँ कि देखने में भी काफी सुंदर है और अंदर से भी ये गुजिया कितना परफेक्ट है। ये देखिए, बहुत ही परफेक्ट गुजिया बना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए, और इस होली पे आप इसे जरूर बनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना गैस जलाए हुए किस तरह हम गुजिया बनाएंगे वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक कोई भी बर्तन लेंगे, उसके लिए ड्राई फ्रूट्स लिया है, कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। ये हमारा बादाम है, काजू, किशमिश जो भी है आपके पास, पिस्ता है पिस्ता आप ले लीजिए, अखरोट है अखरोट ले लीजिए। तो अब इसमें डाल देंगे हमारा नारियल का बुरादा, ज्यादा नहीं डालेंगे, जितना आप बना रहे हैं उसी के लिए आप फिलिंग बनाएंगे। तो मैं 2.5 चम्मच डालूंगी, सभी ड्राई फ्रूट्स डाल देना है, बहुत ही जल्दी बन जाता है और झटपट बन जाता है, खाने में बहुत ही लाजवाब लगेगा। अब इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे, आप चाहे तो इसमें शहद भी डाल सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा घर की मलाई डाल देंगे, इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हमें अच्छे से इसे कोट कर लेना है ताकि जब भरेंगे फिलिंग तो हमें भरने में आसानी होगी, इसलिए मलाई डाल रहे हैं। तो थोड़ा सा ही डालेंगे, गीला नहीं करना है। तो अंदर की फिलिंग थोड़ा सा मैं कलरफुल बनाऊंगी, तो मैं येलो कलर डाल देती हूँ, 1 से 2 बूंद डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये आपके ऊपर है, आप इसी तरह भी बना सकते हैं और कलर वाला भी बना सकते हैं। तो ये फूड कलर है, तो ज्यादा नहीं, देखिए इस तरह मैंने हल्का सा कलर डाला है ताकि देखने में जब आप खाएं तो देखने में अच्छा लगेगा, इसलिए कलर डालते हैं। तो बस ये हो गया तैयार, तो इसे साइड कर देंगे। अब इसका डो बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे नारियल का बुरादा, ये देखिए क्वांटिटी में बड़े चम्मच से, ये हमारा 3 चम्मच है तो मैं इससे ली हूं, तो 1 चम्मच से काफी हो गया है मेरा। उसी चम्मच से मैं डाल रही हूँ चीनी, चीनी हमारा आधा है, ये देखिए भरकर नहीं है, भरकर नहीं डाल रही हूँ, आधा ही है। तो डाल देंगे चीनी और नारियल का बुरादा एक साथ पीस लेते हैं पहले। अब इसे एक थाली में निकाल लेंगे। अब उसी बर्तन से जिससे मैं ये डाली थी, उसी बर्तन से डाल लेंगे, ये हमारा मिल्क पाउडर है, तो इससे मैं 2 बार डालूंगी तो 2 हो जाएगा। मिल्क पाउडर डालने के बाद अब इसमें थोड़ा सा दूध डाल डालकर इसे डो बनाना, एक साथ मत दूध डालिएगा, पहले थोड़ा थोड़ा डालेंगे उसके बाद इसे गूथेंगे। तो पहले थोड़ा सा डाल देने के बाद अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, जितना जरूरत लगे उतना ही दूध दीजिएगा, नहीं तो गीला हो जाएगा, क्योंकि हमें डो बनाना है तो डो बनाने के लिए थोड़ा सावधानी करनी पड़ेगी, तो दूध हमें कम कम देकर देना पड़ेगा, एक साथ मत दीजिएगा। इसमें बहुत कम दूध लगता है क्योंकि चीनी भी है, तो चीनी भी थोड़ा पानी छोड़ता है, तो इसलिए दूध बहुत कम लगता है। देखिए मैंने 3 से 4 चम्मच दिया है, उसी में हमारा ये डो एकदम लगता है तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखने में ही लग रहा है कि डो तैयार हो रहा है। तो अब इसे अच्छे से हम डो बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा डो एकदम अच्छे से परफेक्ट डो बन गया है। तो अब चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो छोटी सी लोई लेंगे और सभी छोटी लोई निकाल लेंगे, इस तरह बनाकर रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई भी प्लास्टिक शीट लीजिए, ये मैं आपको आसानी के लिए बता रही हूँ, अभी तक ऐसा कोई नहीं बताया होगा जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ। हल्का सा ये सीट पर, प्लास्टिक सीट पर हल्का सा घी को ग्रीस कर लीजिए, उसके बाद आप इसे इस तरह कवर कर लेंगे। और ये देखिए हल्का सा बेलन लेकर हल्का सा इस तरह, थोड़ा मोटा ही हम रखेंगे इसे क्योंकि मिल्क पाउडर है, इस तरह बनाएंगे तो आपका फटेगा नहीं और परफेक्ट बनेगा, तो इसलिए इसे मैं इस तरह कर रही हूँ और ये आसानी से निकल जाएगा। ये देखिए अब ये लेंगे, इस तरह से निकाल लेंगे, तो ये देखिए इस तरह रख लेंगे। अब हमने फिलिंग जो बना के रखी है उसे डाल देंगे, थोड़ा सा इधर भी डालेंगे और थोड़ा सा
इधर भी डालेंगे। उसके बाद इसे अच्छे से फैला लेंगे इस तरह, अच्छे से थोड़ा सेफली करना है क्योंकि मिल्क पाउडर का है ये। और इसे अब दबा देंगे, ये देखिए इस तरह, और ये देखिए साइड वाला हम निकाल लेंगे अच्छे से। तो ये लीजिए गुजिया तैयार हो गया है। इसी तरह सारा बना लेंगे, इसी तरह देखिए सारा हमें बना लेना है। इस तरह दबाएंगे इसे अच्छे से, और ये देखिए जो लास्ट में हो जाता है, बच जाता है, इसे मैं कट कर लेंगी और इसे निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए हमारी गुजिया बनके तैयार है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, आप एक बार जरूर से ट्राई करें। मैंने इसे गुलाब की पंखुड़ी और हल्का सा मैंने इस पे कलर से थोड़ा सा डेकोरेट किया, आप जिस तरह चाहे इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और होली में इसे आप अपने गेस्ट को देंगे, बहुत ही खुश होकर खाएंगे, और कोई कह नहीं सकता है कि आपने इसे बिना गैस जलाए हुए बनाया है, और मिनटों में बन जाती है और ज्यादा सामग्री भी नहीं लगती है। तो इस होली पे आप पक्का से इसे जरूर बनाएं और एक बार जरूर ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।